अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के प्ले नंबर 2 को स्टडी करेंगे जिसका नाम है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपके फर्स्ट प्ले के अंदर बता चुका हूँ कि प्लेज जो हैं ये कुछ ऐसे ड्रामा हैं जो कि थिएटर के अंदर स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपके जो लिखे हुए ये हैं प्लेज, इनको उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में ही बयान किया है जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हर एक का नाम लेके डायलॉग उनके आगे लिखे हुए। और शुरुआत में इन्होंने बता दिया है कि स्टेज दिख कैसी रही है, इन्होंने क्या मंजर बनाया हुआ है। अब कहानी कुछ ये वाली ऐसे स्टार्ट होती है कि किसी ने देखा है कि एक दिन पहले कुछ इन्होंने इस तरह इमेज क्रिएट किया है कि जैसे कोई आसमान के अंदर चमकदार चीज़ देखी गई है, और फिर वो मिस्टर स्पेल्डिंग हैं एक, जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, उनके घर के पास आके वो गायब हो जाता है। और उससे नेक्स्ट डे एक टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मिस्टर स्पेल्डिंग। पहले हमारे यहाँ पे जो करेक्टर है उनका नाम है रॉजर स्पेल्डिंग, जिनको मैं कह रहा हूँ मिस्टर स्पेल्डिंग, जो कि एक्चुअली एक न्यूज़ एंकर हैं और वो अपने घर से ही न्यूज़ की नशरियात करते हैं। अब शुरू में दिखाया कि ये बैठे हुए अपने घर में, कैमरामैन है, एक दो टेक्नीशियन हैं जो कि इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो कह रहे होते हैं कि जो भी आसमान में चीज़ देखी गई थी वो कुछ भी नहीं था, और वो कम अज़ कम UFO तो बिल्कुल भी नहीं था। और कहते हैं कि मैंने खुद वो जनरल हैं उनसे बात की है, और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कोई मीटियोराइट हो सकता है या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो आसमान में जो चीज़ नज़र आई है वो कोई मीटियोराइट हो सकता है, लेकिन ये कि एलियन वो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इस प्लेनेट के अलावा कहीं और एलियन की ज़िंदगी हो सकती है, इस तरह की बात ही कर रहे थे ये। तो वहाँ पर इनकी वाइफ भी मौजूद थी जिनका नाम है मिसेस स्पेल्डिंग, इनको कहा गया क्योंकि मिस्टर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं। मिसेस स्पेल्डिंग को इन्होंने कुछ ऐसे बयान किया है कि एक ज़रा बोरिंग सी तबीयत वाली खातून हैं, और उन्होंने बस अपने घर के पीछे एक फूलों का बाग बनाया हुआ है, रोज़ हैं गुलाब के फूलों का उन्होंने बाग बनाया हुआ है, और ज़्यादा टाइम उसी पे काम करती रहती हैं या फिर वो चीज़ों की बुनाई करती रहती हैं, और ऐसे लगता है जैसे बोर सी तबीयत की हैं। जबकि जो मिस्टर स्पेल्डिंग हैं ये थोड़ी सख्त तबीयत के हैं, एक न्यूज़ एंकर हैं, इनकी थोड़ी रेजोनेंट एक भारी सी गूंजदार आवाज़ है, और ये कि ये टीवी पे इस वक्त न्यूज़ की कास्टिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद थर्ड इन्होंने वहाँ पर सीन पे जो बताया वो है एलन स्पेल्डिंग, जो कि इन दोनों की डॉटर है, बेटी है। अब जब ये न्यूज़ कास्टिंग कर लेते हैं, नशरियात कर लेते हैं अपनी, तो फिर ये अपनी बेटी से बात करते हैं कि भाई तुम भी कभी ख़बरें वगैरह सुनती हो या नहीं। तो एलन कहती है कि हाँ मैं आपकी ख़बरें सुनती हूँ, मैं सारी बातें सुनती रहती हूँ, ये वो। खैर यही डिसीजन हो रही होती है इनमें। फिर वो बातें करते हुए जॉन की बात शुरू कर देते हैं। जॉन इज़ एक्चुअली अ फार्मर, ठीक है, जो कि जिसका अपना एक फार्म है, और वो और एलन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो एक्चुअली जॉन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ज़रा बेकार सा है, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर नहीं रहा, बस ये फार्म के ऊपर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वेर एज़ जो एलन है वो कहती नहीं, वो जो भी है वही कर रहा है जो उसको पसंद है, इसलिए उसको वो पसंद है। अब इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, उतने टाइम में होता यह कि एक स्पेसशिप आके मिसेस स्पेल्डिंग का जो रोज़ का गार्डन है जो कि उनके घर के बैक साइड पे है वहाँ पे आके लैंड करता है, और उनका फूलों का जो वो गार्डन सा बना हुआ है बाग सा, वो ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये सारे जाते हैं देखते हैं, तो उसके अंदर से एक शख्स निकलता है जिसका नाम है क्रेटन, इन्होंने लिया है, जो कि एक्चुअली मेन करेक्टर आप कह सकते हैं स्टोरी का। क्रेटन जो स्पेसशिप से बाहर आता है वो उनको बताता है कि ये एक्चुअली एक एलियन है, उस दुनिया से नहीं है, और वो जो है एक स्याह है, एक टूरिस्ट है, उसको दुनिया डिफरेंट प्लैनेट्स की सैर करना और इंसानों को देखना, इनको पढ़ना अच्छा लगता है। जो क्रेटन था उसने 1860 के फैशन वाले कपड़े पहने हुए थे, इसकी बड़ी बड़ी सी कलमें थीं और पुराने फैशन वाले कपड़े थे, तो उनको तो लग रहा था कि कोई मस्खरा सा है। लेकिन ये कि क्रेटन कहता है कि लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आया था तो उस वक्त लोगों में यही फैशन था, तो शायद मैं सदी बाद आ रहा हूँ तो फैशन चेंज हो गया होगा। एनीवे थोड़ी देर बाद होता है ऐसे कि काफ़ी सारे आर्मी वाले आ जाते हैं वहाँ पर, और जो आर्मी का इन्होंने जनरल बताया उसका नाम है जनरल पावर्स, क्योंकि आर्मी का एक जनरल है, वो वहाँ पर आता है, आके घर को मार्शल लॉ के अंडर ले लेता है, मार्शल लॉ लगा देता है घर पर, और वो समझ जाता है कि जो क्रेटन है ये किसी दुश्मन मुल्क का जासूस है और ये शायद कुछ यहाँ पे गलत करने आया होगा। अरे पूरे घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, टेलीफोन लाइन वगैरह भी कट कर करा देते हैं, और जनरल पावर्स के साथ उसका एक असिस्टेंट भी है जिसको कि इन्होंने एड कहा है।
एट कहते हैं किसी भी एक बड़े अफसर का असिस्टेंट। तो वो जो क्रेटन से कहते हैं कि हमने इसे सवाल जवाब करने हैं, है क्रेटन को जो है, क्रेटन को इस तरह बताया कि काफ़ी एक समझदार और बहुत ही खुश अखलाक इंसान है, और ये चीज़ मिसेस स्पेल्डिंग को बड़ी अच्छी लग रही होती है। मिसेस स्पेल्डिंग को उसकी कलमें भी बहुत अच्छी लगती है, इसका ड्रेसिंग का स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगता है, और कहते हैं कि इसके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। एनीवे, जनरल पावर्स जो है वो आके तरह से एक जारियाना अंदाज में ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये हर चीज़ का बहुत समझदारी से एक अच्छे अंदाज में जवाब दे रहा होता है। इनको बताता है कि ये एक दूर से प्लेनेट से आया है, और ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो अमर हो चुके हैं, उन्होंने मौत पे भी काबू पा लिया है, वो लोगों के दिमाग भी पढ़ सकते हैं, और उनको ये कि अपनी जो ज़मीन है इससे अगर कंपेयर किया जाए तो उनकी सिविलाइजेशन और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। खैर, जब वो इससे मुख्तलिफ बातें पूछ रहे होते हैं तो बताता है कि आपको भी 5000 साल कम अज़ कम और लगेंगे कि आप हमारे लेवल की सिविलाइजेशन पर, उस टेक्नोलॉजी के लेवल पर पहुँच सकें। एनीवे, क्रेटन जो होता है वो उसे पूछ रहा था कि तुम नहीं बता रहे, वो कहता है ठीक है, फिर उसकी कश्ती, वो जो है स्पेस शिप, उसकी तलाशी लो। वो देखता है, एड आके देख के आता है, फिर बताता है, कहता है कि उसके अंदर जो है ना, ना कोई सीट है, ना उसके अंदर कोई वो स्टेयरिंग वगैरह भी नहीं है, पता नहीं कैसे इसको ऑपरेट करता, कोई बटन भी नज़र नहीं आ रहा। उसे पूछा तुम इसको ऑपरेट कैसे कर रहे थे, उसने कहा बस ये आपको भी समझ नहीं आएगी। जो उसकी स्पेस शिप है वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक चमकदार अंडे जैसी शेप होती है, उसकी ओवल जैसी शेप होती है, चमकदार होती है, और जो उसका मटेरियल है वो भी इनको नहीं पता चल रहा था कि वो कौन सा मेटल है या क्या मटेरियल है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, बहुत चमकदार होती है, इसके अंदर इनको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। खैर, जनरल क्रेटन कहता है अच्छा नहीं समझ आ रही, वो कहता है ठीक है इसको तबाह कर दो। तो क्रेटन कहता है कि मैं अलाउ नहीं कर सकता कि जनरल पावर को कि वो मेरी स्पेसशिप को तबाह करें। तो दूसरे, जब वो एड चला जाता है तबाह करने के लिए, वो वापस आता है, आगे बताता है कि उसके गिर्द कोई इनविजिबल वॉल बन गई है, तो हम उसको तबाह नहीं कर पा रहे। तो वो समझ आते हैं कि इसके पास वाकई में स्पेशल पावर्स तो हैं कोई, और इनको बताता है कि ये एक्चुअली उनके माइंड भी पढ़ सकता है। लेकिन जो जनरल पावर था पहले यकीन नहीं कर रहा होता, जनरल पावर्स को कहता है कि भी ठीक है, फिर मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई जादुई ट्रिक होगी, ऐसा वैसा है, बाकी तुम एलियन तो एटलीस्ट नहीं मुझे लग रहे। तो क्रेटन जो उसको बताता है कि एक्चुअली आपको बस ख्वाहिश है कि आप ज़रा तरक्की करें थोड़ी सी, और किसके बाद आपको ये कि मैं इसको गिरफ्तार करूँगा तो मुझे ज़रा तरक्की तुरक्की मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है आपको तरक्की मिले। खैर, ये कि गुफ्तगू चल रही होती है, बीच में आर्मी चीफ की कॉल भी आती है जनरल पावर्स को, और वो इसलिए घर को मार्शल लॉ में ले लेता है, कहता है कि मैं खुद सारे मामले को देखूँगा, और फिलहाल इसको मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं दे सकता, इसके साथ पूरी तफ्तीश होगी, उसके बाद ही हम देखेंगे। तो क्रेटन कहता है कि मुझे आइडिया है कि यहाँ पर सारे किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं, लेकिन ये कि मैं अलाउ नहीं कर सकता कि कोई मुझे गिरफ्तार करे या मेरे ऊपर तजर्बे करे। तो वैसे तो मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं और मैं टूरिस्ट हूँ, तो मुझे बस इनको स्टडी करना ये मेरा शौक है, इसलिए मैं इधर उधर आता रहता हूँ। वो पूछते भी हम कैसे मान लें कि तुम से हमें ख़तरा नहीं है। कहा जी कि अगर हमने करना होता तुम पे कब्जा तो हम काफ़ी पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे लोगों को तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, बस ये मेरा इंटरेस्ट है, और मुझे ज़रा तुम लोगों को देखना कि जिस तरह की आप लोगों की सोच है वो सारा कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग, एलन, जॉन सारों की वो सोच पढ़ सकता था, और वो कहता है कि आपकी जो सी सोच है, जॉन वगैरह को बताता है, कहता है कि जो आपकी सोच है, जो सोचने का अंदाज है, ये एक्चुअली सबसे निराला है, और ये मुझे सबसे अच्छी लगती है चीज़ कि जिस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स मौजूद हैं। एनीवे, फिर कहता है ठीक है जी, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तो क्रेटन अपने गिर्द एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर लेता है, उससे होता ये कि वो उसको पकड़ नहीं पाते, वो समझते हैं कि वाकई इसके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो क्रेटन कहता है आप लोग काफ़ी फैसिनेटिंग से लोग हैं, तो आया तो मैं यहाँ पे सिर्फ सियाहत के लिए था, स्टडी के लिए था, लेकिन अब मैंने प्लान ये किया है कि मैं अब इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करूँगा, मैं आपका एक किस्म का किंग सा बन के रहूँगा, और सारे के सारे बहुत खुश रहेंगे मेरी हुकूमत के अंदर। फिर ये उसी घर के, मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के ऊपर चला जाता है कमरे के अंदर आराम करने के लिए, और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है इस तरह। आइए इसकी एक बार एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी है, पहला लफ्ज़ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब है चमकदार। अंक्चुअस का मतलब होता है चापलूस, चापलूसी करने वाला। फिर लफ्ज़ है रेजोनेंट, इसका मतलब है गूंजदार। ये मिस्टर स्पेल्डिंग की आवाज़ की बात हो रही थी कि उनकी बहुत गूंजदार आवाज़ है। फिर लफ्ज़ है फिजिट्स, फिजिट्स का मतलब है परेशान करना, कन्फ्यूज़ कर देना। कंजेक्चर होता है क्यास अराइयाँ करना, किसी के बारे में तुक्के करना, तुक्के मारना। लुनेटिक का मतलब होता है पागल,
होमस्टेड कहते हैं एक फार्म हाउस को। एलुडेड, एलुडेड का मतलब होता है किसी से अवॉइड करना, एक चीज को टालना। वॉलनट्स, वॉलनट्स कहते हैं अखरोट को। सेलर, तहखाना। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का मतलब है हैजानी, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ। मीटियोर, मीटियोर का मतलब है शहाबे साकिब। ओमिनियसली, इसका मतलब है खबरदार करने वाले अंदाज में। एवासिवली, अवॉइड करते हुए, ग्रेस करते हुए। ब्लैंडली, ब्लैंडली का मतलब है एक नहायती नरमी से। फैसिनेटिंग, एक दिलकश अंदाज में। पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है एक तकबर या मगरूरी अंदाज में। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर या नाजुक। ट्वर्ल्स, ट्वर्ल्स का मतलब होता है एक चीज़ का घूमना, एक चीज़ का मुड़े हुए होना। हंच, हंच का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। इंटरगैलेक्टिक, इंटरगैलेक्टिक से मुराद है गैलेक्सियों के दरमियान। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब है नकल करने वाला या किसी की कॉपी, किसी इंसान की। गैड, गैड का मतलब होता है एक ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो इधर उधर आवारागर्दियां करता हो। इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू का मतलब है बगैर तैयारी के। डिलीरियसली, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, पुरजोश होना। इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है अपना सेल्फ कंट्रोल खोना। सॉर्डिड, सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब है क्या है यार, शर्मा, ठीक है चलने दें। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब है शर्मनाक। रिकोनोइटर, इसका मतलब है जायज़ा लेना। अब ये थे आपकी ग्लॉसरी, अब इसके एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, कि रॉजर स्पेल्डिंग कौन है। अब आपको हर एक करेक्टर के बारे में डिटेल लाजमी पता होनी चाहिए, इस तरह आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रॉजर स्पेल्डिंग, जैसा कि बताया, एक न्यूज़ एंकर हैं जो कि अपने घर से टीवी की ब्रॉडकास्ट करते हैं। एक बहुत ही गूंजदार आवाज़ है इनकी, और वो अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने घर पर रहते हैं। और जी हाँ, इनके बारे में तकरीबन यही बातें आ जाती हैं। और एमसीक्यूज़ के अंदर से हम कहेंगे कि ये एक न्यूज़कास्टर हैं, सी जवाब बनेगा इसका। जॉन इज़ आ, जॉन क्या है। जॉन इज़ आ फार्म ऑनर, इसका मतलब जवाब होगा बी, एक अपने खेत का मालिक है, फार्म का मालिक है। तो जॉन है, इसके बारे में बताया गया कि ये इसकी वॉलनट्स की अपनी एक फार्म है, ये वहीं पर खेती बाड़ियाँ करता है, एक किसान है, ये एलन को पसंद करता है। ये दोनों जवान हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और बहुत ही इनकी रंगीन किस्म की सोच है, और ज़रा खुश ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इसको रोजर स्पेल्डिंग ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके ख्याल में जो जॉन है, इसकी ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है ये, और ये कोई लाइफ के बारे में आगे इतना सोचता नहीं है कि कोई बड़ा आदमी बने। वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड, स्पेसशिप ने कहाँ पर लैंड किया। उसने मिसेस स्पेल्डिंग के जो रोज़ का गार्डन था वहाँ पर लैंड किया, तो उसका जवाब होगा डी, इन द रोज़ गार्डन ऑफ मिसेस स्पेल्डिंग। एलन लिसन टू दी ब्रॉडकास्ट ऑफ हर, एलन ने ब्रॉडकास्ट सुनी किसके, अपने डैडी के। रॉजर जो हैं ये वो न्यूज़कास्टर थे, एलन उनकी बेटी थी, और ये शुरू में रॉजर स्पेल्डिंग की जो ब्रॉडकास्ट थी उसको सुन रही थी। कहेंगे शी वॉज लिसनिंग टू हर डैडीज, हर फादर्स ब्रॉडकास्ट। इसका जवाब होगा ए, द विजिटर वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन। विजिटर से मुराद है जो बाद में आया है सैर करने के लिए, जो कि क्रेटन था, हु वॉज एक्चुअली एन एलियन। तो ही वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860, 1860 वाले फैशन में उसने ड्रेस किया हुआ था। वट इज़ द इम्प्रेशन ऑफ क्रेटन ऑन सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस। क्रेटन जब घर के अंदर आता है स्पेसशिप से उतर के, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसका जवाब होगा डिलाइटफुल बी। आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, मीन्स दैट आई एम। जब क्रेटन अपने बारे में बात करता तो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा मगरूर नहीं लग रहा, या मैं आपको नीचा दिखाने वाली बातें नहीं कर रहा, कि आपको इस तरह की फीलिंग ना आ रही हो। तो उसका क्या मतलब है कि कहीं मैं आपको डिस्करेजिंग तो नहीं बन रहा। इसका जवाब बनेगा सी, कि मैं आपके हौसले नापस्त कर रहा हूँ। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ ट्रैवल, कितने साल लगेंगे जो ट्रैवलिंग की स्टोरी है वो बताने में। उसने कहा था कि आपको तकरीबन 500 ईयर्स लग जाएंगे कि आप ये सारी की सारी मेरी स्टोरियाँ सुने और उनको समझ सकें, क्योंकि क्रेटन के बकौल जो ह्यूमंस हैं ऑफ अर्थ, उनकी सिविलाइजेशन अभी बहुत पीछे है, और वो भी इतनी ज़्यादा उन्होंने एडवांसमेंट, तरक्की नहीं की। द हाउस ऑफ स्पेल्डिंग कम्स अंडर दी मार्शल लॉ, जब वहाँ पे आर्मी आती है तो वो मार्शल लॉ लगा लेती है, कब्जा कर लेती है घर पे। इसका जवाब होगा डी।
जनरल पावर्स वॉज थिंकिंग अबाउट, जब क्रेटन ने जनरल पावर का माइंड पढ़ा, उसको बताया था, उसका जनरल पावर्स क्या सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज प्रोमोशन। इसका जवाब बनेगा ए, हिज प्रोमोशन, अपनी तरक्की के बारे में। ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला है, हाउ डज क्रेटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, राइट फाइव सेंटेंसेस। क्रेटन ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को कैसे प्रूव किया? एक तो ये कि क्रेटन जो है इंसानों के दिमाग पढ़ लेता था, इंसानों के दिमाग पढ़ के उसने प्रूव किया कि वो कह लें उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं। फिर जब उसके करीब आने की कोशिश करता था तो वो अपने गिर्द इनविजिबल वॉल क्रिएट कर लेता था, और उसकी जो स्पेस शिप थी उसको भी देख के सारे परेशान थे कि किस तरह से चलती है। दूसरा, कोई उस पर हमला भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उससे भी वो अपने ऊपर और अपनी स्पेस शिप की भी हिफाजत कर लेता था। और ये कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही होती थी तो वो हर चीज़ के बारे में पहले से जानता था और बता सकता था। तो उससे उनको पता चल गया कि वाकई में कुछ इसके पास स्पेशल है और ये हमसे सुपीरियर है। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रेटन्स विजिट, क्रेटन के आने का क्या मकसद था? क्रेटन वहाँ पर क्योंकि एक टूरिस्ट है, सिर्फ सैर के लिए आया था, क्योंकि उसको इंसानों के बारे में पढ़ना और उनको सीखना अच्छा लगता है। लेकिन फिर एंड पे वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर अब कब्जा कर लेगा और ज़मीन पे लीडर बनेगा अर्थ वालों का। हाउ मच एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन देन दैट ऑफ द अर्थ, क्रेटन की जो सिविलाइजेशन है, तहजीब, वो अर्थ वालों से कितनी ज़्यादा एडवांस है? वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि अभी इंसानों को कई हज़ार साल लगेंगे कि वो उनके लेवल पर आ सकें कि जो उनकी सिविलाइजेशन है, क्योंकि उन लोगों ने अब अपनी मौत पर काबू पा लिया था, वो एक दूसरे के दिमाग वैसे ही पढ़ लेते थे और वो पूरे यूनिवर्स में जहाँ चाहते थे जा सकते थे। उसने बताया था कि वो वहाँ पर बैठे बैठे भी हम ज़मीन वालों को आसानी से देख लेते हैं, प्लेनेट वाले लोग। फिर क्वेश्चन फोर है, कैन द पीपल ऑफ अर्थ कम्पीट विद दोज ऑफ क्रेटन, क्या अर्थ के लोग क्रेटन के लोगों के साथ मुकाबला कर सकते थे? इसका जवाब ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज क्रेटन की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। हाउ डैमेजिंग इज़ वायलेंस इन लाइफ, इसमें आप थोड़ी अपनी राय दे सकते हैं कि जो वायलेंस है, जो शिद्दत पसंदी है, वो ज़िंदगी में कितनी बुरी हो सकती है? ये कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलता, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है, तकालीफ बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं। वट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द 5000 ईयर 5000, कह रहे हैं कि 5000 साल में आप अपनी लाइफ को किधर देख रहे हैं कि अर्थ पे क्या होगी? इसमें भी टोटली आपकी अपनी एडवाइस मांग रहे हैं, आप कुछ भी जो फैंटिसाइज करते हैं वो लिख सकते हैं। आप ये कह लें कि कुछ साल बाद ये कि लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ सोचेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। एनीथिंग यू फैंटिसाइज, जो भी आपका ख्याल है अपनी राय दे सकते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप इनकी सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा, आपके ये स्किल डेवलप होंगे। हाउ इम्प्रेसिव वर दी मॉरल्स ऑफ क्रेटन, क्रेटन के जो अखलाक हैं वो कितने इम्प्रेसिव थे? क्रेटन के अखलाक बहुत इम्प्रेसिव थे, क्योंकि उसे गुस्सा भी नहीं आता था, वो ठंडे दिमाग से बात करता था, हर शख्स से बहुत तमीज़ से बात करता था, उस चीज़ का खास ख्याल रखता था कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। वट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले, जनरल पावर्स जो है उसका क्या रोल था? जैसा कि जनरल पावर्स को इन्होंने बताया कि ये एक थोड़ा खुदगर्ज सी तबीयत का था, आर्मी का जनरल था और उसको सिर्फ अपनी प्रमोशन से ज़्यादा मतलब था। उसने आके ये नहीं देखा कि मैं क्रेटन से भी तमीज़ से बात करूँ या वो कौन है, उसको बस ये था कि भाई ये जो भी है बस दुश्मन ही हो सकता है, एक नेगेटिव किस्म की थिंकिंग का मालिक है। तो जो जनरल पावर्स है इसको इन्होंने इंसानों को एक किस्म का कह लें रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है कि जो इंसान है उनमें किस तरह खुदगर्जी है और कितने वो बेवकूफ़ किस्म के हैं अभी तक। फिर उन्होंने जब जनरल पावर्स को क्रेटन के साथ उनकी डिस्कशन बताई लिखी तो हमें पता चला कि क्रेटन कितना समझदार और किस आला लेवल पे है, और जो हम इंसान हैं अभी तक कितनी छोटी सोच और कैसे घटिया दर्जे पर हैं अभी तक। तो एक्चुअली इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि क्रेटन कितना स्मार्ट है और कितना ऊंचा है, इन्होंने जनरल पावर्स का करेक्टर इस्तेमाल किया है। वट इज़ द थीम ऑफ क्रेटन स्टडी, क्रेटन की जो स्टडी है उसका थीम क्या था? ये कि उसकी स्टडी का थीम था इंसान, उसको इंसान बहुत अच्छे लगते थे, वो इंसानों की सोच, उनके सोचने का अंदाज और उनकी फीलिंग्स को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो ज़मीन पर आता था इंसानों को पढ़ने के लिए, उनको देखने के लिए। हाउ डज क्रेटन इम्प्रेस जनरल पावर्स, क्रेटन जनरल पावर को कैसे इम्प्रेस करता है? क्रेटन जो है जनरल पावर्स को जब एक तो बताता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उनका दिमाग पढ़ के, और दूसरा जब उसकी स्पेस शिप को उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके गिर्द एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करके इस तरह से इनको ये काफ़ी इम्प्रेस कर देता है कि वाकई में इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं और ये वाकई में एक समझदार और पावरफुल एलियन है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है जिनको इनका 100 टू 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले इन्होंने करैक्टर्स के बारे में लिखने को कहा है, तो तकरीबन हमने हर करैक्टर की डिस्कशन कर लिया कि वो क्या हैं कैसे हैं।
और आपको उसको लफ्ज़ों में बयान करना लाजमी आना चाहिए। सेल्फ राइटिंग की स्किल्स डेवलप करने के लिए एक बार आप पहले टेंसेज को लाजमी स्टडी कीजिएगा, उसके भी लेक्चर्स ग्रामर के पोर्शन में मौजूद हैं। तो एक तो आपने इनकी अब खुद से सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है लाजमी, हर एक करेक्टर के बारे में जो बता दिया गया है, और स्टोरी को अंदर से भी अगर स्टोरी के कोई क्वेश्चन या पॉइंट बन के आता है तो वो भी आपको अपने अंदाज में बताना आना चाहिए। तकरीबन हर जो मेन बेसिक पॉइंट था उसको आपको बता दिया गया है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आपने करना ये कि एक बार कोई भी ग्रामर या की बुक लेके उसमें से कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन को लाजमी रीड करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी रीड करना है, और जो उसकी पंक्चुएशन दी गई है उसको भी आपने लाजमी रीड करना है। पंक्चुएशन के लिए पंक्चुएशन के रूल्स, उन पर वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं जो कि ग्रामर के पोर्शन में आपको मिल जाएंगे, उनको आपने लाजमी स्टडी करना है। अब सारा जो आप पढ़ लेंगे फिर आपने एक बार उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।